कोविड-19 को हराने के लिए देश भर में लॉकडाउन लागू है। देश में इस वायरस से 17,000 से ज्यादा लोग इन्फेक्टेड हैं। 550 से ज्यादा लोगों को इस वायरस की वजह से अपनी जान गंवानी पड़ी। लेकिन इस बीच कुछ ऐसे संकेत मिल रहे हैं जिससे पता चल रहा है कि इंडिया में कोरोना हार रहा है। रिकवरी रेट बढ़ी। इस वायरस से अब तक 2,500 लोग ठीक हो चुके हैं। अगर दो हफ्ते पहले की बात करें तो जो रिकवरी रेट 8% थी वो अब बढ़कर लगभग 14% हो गई। 325 जिलों में कोई मामला नहीं। देश में कुल 736 जिले हैं, जिनमें से करीब आधे जिले ऐसे हैं जिनमें कोरोना का एक भी केस नहीं है। यानी करीब आधे देश में कोरोना का एक भी मामला नहीं है, जिसका मतलब है कि आधा देश इस बीमारी से सुरक्षित है। कोरोना से मुक्त हुआ गोवा, मणिपुर। गोवा में कोविड के कुल 7 मामले सामने आए थे, जिनमें से 6 पहले ही ठीक हो चुके थे और रविवार को 7वें मरीज की भी रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी गई, जिसके बाद गोवा को कोरोना मुक्त घोषित कर दिया गया। सोमवार को मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने ट्वीट करते हुए कहा है, मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि अब मणिपुर भी कोरोना से मुक्त हो चुका है। यहाँ कोई नया मामला सामने नहीं आया है। हमें कुछ और राज्यों से अच्छी खबरें भी आ रही हैं, जैसे गोवा के सभी पेशेंट्स को रिकवरी के बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। अब गोवा में कोई भी एक्टिव केस नहीं है। इसी तरीके से जैसे कि कल आप लोगों की दृष्टि में लाया था, माही और कोडगू, इन दोनों जिलों में जहाँ पर कि पिछले 28 दिनों से कोई केस नहीं आया था, उसमें एक और जिला जुड़ गया है, वह है पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड से। साथ ही टोटल 59 डिस्ट्रिक्ट्स हैं 23 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज से जहां पर पिछले 14 दिनों से कोई केस नहीं आया है, जिसमें 6 नए जिले जुड़े हैं, वह हैं डूंगरपुर और पाली राजस्थान से, जामनगर मोरबी गुजरात से, नॉर्थ गोवा गोवा से, गोमती त्रिपुरा से। और इससे संबंधित हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि फिर भी हमें हर तरीके से सतर्क रहने की आवश्यकता है। डबलिंग रेट में कमी। लॉकडाउन से पहले कोरोना के मरीज 3.4 दिन में दुगने हो रहे थे, अब केस दुगने होने में औसतन 7.5 दिन लग रहे हैं। कि इंडिया का डबलिंग रेट लॉकडाउन से पहले जो 3.4 था, अब वह इम्प्रूव होकर 7.5 हो चुका है। और इससे संबंधित और भी एक अच्छी न्यूज ये है कि अगर हम 19 अप्रैल तक का डेटा लें तो इस नेशनल एवरेज के तहत 18 स्टेट्स में नेशनल एवरेज से बेटर परफॉर्मेंस और बेटर इम्प्रूवमेंट नोटिस किया गया है, जिसमें कि दिल्ली में डबलिंग रेट 8.5 डेज है, कर्नाटका में 9.2 डेज है, तेलंगाना 9.4 डेज, आंध्र प्रदेश 10.6 डेज, जम्मू कश्मीर 11.5 डेज, पंजाब 13.1 डेज, छत्तीसगढ़ 13.3 डेज, तमिलनाडु 14 डेज और बिहार 16.4 डेज। ये जितने राज्य हैं यहाँ पर 20 से कम करीब डबलिंग रेट नोटिस किया गया। इसके साथ ही कुछ राज्यों में 20 से 30 के दिनों में भी डबलिंग रेट नोटिस किया गया, जो उनकी परफॉर्मेंस को दर्शाता है, जिसमें अंडमान निकोबार 20.1 है, हरियाणा 21 डेज, हिमाचल प्रदेश 24.5 डेज, चंडीगढ़ 25.4 डेज, असम 25.8 डेज, उत्तराखंड 26.6 डेज, लद्दाख 26.6 डेज। इसके साथ ही हमारी कुछ स्टेट इवन उनका 30 दिनों से भी ज़्यादा डबलिंग रेट, यानी कि उनकी परफॉर्मेंस, उनका केस मैनेजमेंट में हम इम्प्रूवमेंट नोटिस कर रहे हैं, वह है उड़ीसा और केरला। टेस्टिंग क्षमता बढ़ रही है। देश में लगातार टेस्टिंग की स्पीड को बढ़ाया जा रहा है। अभी एक दिन में 37,000 टेस्ट प्रतिदिन हो रहे हैं, जिसे बढ़कर 80,000 प्रतिदिन करना है। भीलवाड़ा मॉडल अपनाने लगे राज्य। कोरोना को लेकर राजस्थान के भीलवाड़ा का हाल शुरुआत में बहुत बुरा था, लेकिन भीलवाड़ा प्रशासन ने वहां की सारी सीमाएं सील कर दी, एक एक शख्स की टेस्टिंग की, जिसका नतीजा ये हुआ कि भीलवाड़ा कोरोना मुक्त हो गया और एक भी नया केस सामने नहीं आया। अब दूसरे राज्य भी कोरोना हॉटस्पॉट में भीलवाड़ा मॉडल अपना रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि अब कोरोना वायरस ज्यादा दिन नहीं टिक पाएगा। ये कुछ वजह है जिससे ये लग रहा है कि कोविड-19 की उल्टी गिनती भारत में शुरू हो गई है, और अगर देशवासी सारे नियमों का पालन करते रहे तो जल्द ही कोरोना की छुट्टी हो जाएगी।